सिंह चौहान के बेटे और बीजेपी के युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान इन दिनों खासे सक्रिय हैं। 28 सी विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी वो प्रचार करते दिखे, तो उसके पहले और बाद में कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेते नजर आए और अब वो इन दिनों बुधनी में एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराने में व्यस्त हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या सियासी पारी खेलेंगे कार्तिकेय? सियासी पिच पर बल्लेबाजी के लिए है तैयार? क्या सियासी फील्डिंग में जुटे हैं कार्तिकेय? ये सवाल इसीलिए क्योंकि युवा जोश, मिलनसार, बिना थके बिना रुके लगातार काम करने की क्षमता और नेतृत्व की अद्भुत प्रतिभा वाले कार्तिकेय लगातार सक्रिय हैं। फिर चाहे पूरा प्रदेश हो या फिर उनके पिता शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधनी, उनकी सक्रियता के चर्चे हमेशा रहते हैं। उपचुनाव में प्रचार भी उन्होंने खूब किया, तो अब सामाजिक कामों में भी शरीक हो रहे हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए बुधनी में टूर्नामेंट कराने में मशगूल हैं जूनियर चौहान। IPL की तर्ज पर अपने दादा और दादी की याद में कराने जा रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट, नाम भी उन्हीं को समर्पित। विधानसभा की 180 ग्राम पंचायतों की बेस्ट 16 टीमों के बीच होंगे मुकाबले और गवाह बनेगा नसरुल्लागंज का उत्कृष्ट स्कूल ग्राउंड। 14 से 21 फरवरी तक चलेंगे रोमांचकारी मुकाबले। उद्घाटन में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे, तो कोशिश ये भी है कि किसी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर को भी टूर्नामेंट में बुलाया जाए। 14 तारीख को एक ऐसा भव्य आयोजन करने जा रही है जिससे केवल खेल ही नहीं बल्कि युवाओं का कैसे सर्वाधिक विकास हो सके उसकी चिंता की जाएगी। अभी मुझे लगता है कि हमने श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हमने आमंत्रित किया है और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी मिनट तक एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को हम जोड़ लें, लेकिन इसकी पुष्टि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकता। टूर्नामेंट के समापन में शामिल होंगे CM शिवराज सिंह चौहान। टूर्नामेंट के विनर को 1,51,000 रुपए के साथ क्रिकेट किट दी जाएगी। खास बात ये कि टूर्नामेंट में आत्मनिर्भर MP की प्रदर्शनी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार क्षेत्र की सेवा में पुलिस व्यवस्था भी रहती है। हमें लगा उनको भी मौका देना चाहिए कि वे अपनी टीम को लाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, लेकिन स्ट्रिक्टली उसमें केवल युवा खिलाड़ी खेलें इसकी चिंता की जाएगी। एक हफ्ते तक चलेगा टूर्नामेंट और युवाओं का जमावड़ा होगा। क्रिकेट की प्रतिभाएं तो टूर्नामेंट में दिखेंगी ही, मगर सियासी प्रतिभा और मैनेजमेंट कार्तिकेय का भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज़।